रीता 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 आ रही हूं। चलो आ जाओ। आ गए ना तुम लोग। क्या हो? शादी में गए थे ना? ऐसे मुंह क्यों लटका रखा? सब ठीक है ना? पिता पिता ये क्या? ये तो कमाल ही हो गया। तूफान को याद किया और तूफान आ भी गया। तूफान ने इन दोनों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। वाह पृथ्वी वाह, तेरा सपना तो सच हो रहा है। देखता रहे सपने देखता रहे। देख तेरी प्रीता जी स्किली डंडा प्लेयर से दूर हो रही है और बहुत जल्द बहुत दूर हो जाएंगी। उसके बाद इन दोनों की रोमांटिक पिक्चर खत्म और तेरी रोमांटिक पिक्चर शुरू। पृथ्वी की प्रीता जी और प्रीता जी का पृथ्वी। पिता 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 मुझे बात करनी है। मुबारक पृथ्वी मल्होत्रा मुबारक। मुझे बात करनी है। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे करनी है। गुड नाइट कर। कुछ पूछ रही हूं मैं। सब ठीक है ना? अरे कुछ बोलोगे क्या? ऐसे बुद्ध बन के क्यों खड़े हुए? मैं पूछ रही हूं सब ठीक है ना? हाँ शादी में गए थे वहां सब ठीक था ना? प्रीता से बात हुई अभी मेरी? पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था या मेरा वहम था, कुछ चुप चुप सी लग रही थी। पूछा तो कह रही थी ठीक हूं, लेकिन सृष्टि मैं कुछ पूछ रही हूं, सब ठीक था ना वहां पर? कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो मुझे पता चलना चाहिए लेकिन मुझे नहीं पता है? मैंने उससे भी पूछा, मेरा दिल बैठा जा रहा था, बल्कि मैं सोते हुए ना दरवाजा बंद करना भूल गई थी और अखंड दिया मुझे लगा मैंने जलाया है, लेकिन शायद बुझ गया था तो इसीलिए परेशान। देख सृष्टि, माँ कितना भी पूछे ना कि वहाँ क्या हुआ या ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे उतरे हुए हैं, तुम बिल्कुल कुछ भी मत कहना। अपने मुंह से सृष्टि तू या जानकी आंटी आप माँ को कुछ भी मत बताना। क्यों पुत्र, किसी ने कुछ थोड़ा बहुत बता दिया क्या उनको? नहीं, मैं जानती हूँ कि माँ बिना बोले ही सब कुछ समझ जाती हैं। वो तुम्हारा चेहरा देखेंगी और उन्हें पता लग जाएगा कि कुछ तो बात है, लेकिन तुम अपने मुंह से कुछ नहीं कहोगे। बताना सब ठीक है ना? हाँ माँ सच कह रही हूँ। चौटा लगाऊंगी तेरे मुंह। झूठ बोल रही है ना तू मुझसे? आंखों में आंसू है और ऊपर से कह रही है सब ठीक है। ऐसा कभी हो सकता है कि इतने दिनों बाद तू शादी से वापस आए और जोर जोर से चिल्लाए नहीं, हंसे नहीं, मुझे पकड़कर चूमे नहीं? ऐसा कभी हो सकता है? और फिर कह रही है कि सब ठीक है। क्या हुआ है मुझे बताओगे क्या? बच्ची घर में घुसी नहीं और आप उसको डांटने लगे, हाथ भी उठाने लगे, इसलिए वो डर गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। आपको क्या लगता है वो बिना बताए गई है तो आप उसको डांटोगे? अच्छा ठीक है, अगर यही बात है ना
तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। तो तू क्यों अपना ऐसा ये मुंह लटकाए खड़ी है? तेरी आंखों में आंसू क्यों? मैं कितनी रो रही माँ। वो हम आपको बिना बताए ऐसे घर से चले गए, जान के अंडे भी मेरे साथ चली गई, तो शायद इसके लिए। यही बात है और कोई बात नहीं। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, ऐसा मेरा दिल बैठा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा हुआ है या होने वाला है। मेरा दिमाग ही खराब है। तुम लोग इतने दिन के बाद आए हो और ये नहीं पूछ रही हूँ कि हाथ मुंह धो लो, चाय पी लो, बट ऐसे ही तुम लोगों को गुस्सा करने लग गई। अच्छा ठीक है, सुनो एक काम करो, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बना के लाती हूँ। कुछ खाया? तूने खाया? मैं कुछ खाने के लिए भी बना देती हूँ, जा। और रो मत। नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, और तू भी मत रो, मैं तुम दोनों से नाराज नहीं हूँ। करण और प्रीता के बीच में दूरियां, कहीं मेरा सपना तो नहीं? नहीं नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तो ये सपना कैसे हो सकता है? तब दोनों के बीच में इतनी बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। प्रीता एक नॉर्मल लड़की है, तो उसके दिल को भी तो ठेस पहुंची होगी ना। तो जा रही है प्रीता, लेकिन एक प्रॉब्लम है, दोनों के बीच में जो दूरियां आई है बड़ी रूखी सूखी सी है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मतलब कुछ बड़ा धमाकेदार होना चाहिए, जैसे कि प्रीता लूथरा हाउस छोड़ के चली जाए और करण देवदास की तरह यहाँ वहां मारा फिरता रहे। लेकिन ये होगा कैसे? कैसे? मैं करूंगी, मैं सरला आंटी को कॉल करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि उनकी बेटी की लाइफ में एक सौतन आ गई है, उनके लाडले दामाद ने उनकी बेटी के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। फिर क्या, वो दौड़ी दौड़ी आएंगी। वैसे भी वो हमेशा अपनी बेटियों के लिए लड़ने के लिए रेडी रहती है। फिर इस घर में महाभारत और रामायण दोनों एक साथ दिखेगी हमें। फिर क्या होगा, सीता, मेरा मतलब है प्रीता, चली जाएगी वनवास, यानी कि अपने घर, और दोनों फैमिलियों के बीच में हो जाएगी लड़ाई। परफेक्ट, सरला को कॉल करती हूँ कि आओ और अपनी बेटी को ले जाओ। लेकिन ये सब होगा, ऑफ कोर्स होगा शर्लिन, अगर तू करेगी तो परफेक्टली। ये सारा जैसे तू प्लान कर रही है ना, सोच रही ना, मतलब सोच सोच के इतना मजा आ रहा है। जब ये सब होगा तो कितना मजा आएगा। कहते हैं ना, 100 सोनार की तो 1 लोहार की। मिसेस प्रीता लूथरा के पसे पसाए आशियाने को उजाड़ने का वक्त आ गया। उसे भी तो पता चले कि शर्लिन से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। मैं सोना को सिर्फ ऐसे दोस्त जानता हूँ और कुछ नहीं। कॉलेज में मिले थे हम, सिर्फ कॉलेज की दोस्ती मेरी, इससे ज्यादा हमारे बीच में कभी कुछ नहीं हुआ। मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा था करण। मुझे पता था तुम जरूर फोन करोगे। हाँ करण, सॉरी कहना था। सोना प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, अब और क्या चाहिए? हाँ स्टॉप कॉलिंग मी।
क्या बात है करीना, बहुत परेशान लग रही हो। मॉम, हमें सोनाक्षी की शादी में जाना ही नहीं चाहिए था। कितनी प्रॉब्लम हो गई वहाँ, प्रीता कितनी डिस्टर्ब्ड है, वो प्रेग्नेंट है, और ऐसे में आई जस्ट होप वो अपनी मॉम के घर ना चली जाए। पुत्र, ये तो वही फैसला करेगी कि उसे माँ के घर जाना या नहीं जाना, पर अभी तक गई नहीं तो मुझे नहीं लगता वो जाएगी। मॉम एक्चुअली मिडिल क्लास मेंटालिटी की है ना, इस वजह से उसने अपनी मॉम को नहीं बताया। वो होता है ना, घर की बात घर में रहनी चाहिए टाइप्स। बैठ, देख पुत्र, ये मिडिल क्लास, ये रिच क्लास, पुत्र ये कुछ नहीं है, ये सब हमने बनाए हैं। और तुझे पता है, कभी कभी मिडिल क्लास लड़कियों की सोच रिच लड़कियों की सोच से बहुत बेहतर होती है। और मुझे तो पूरा यकीन है कि अगर प्रीता की जगह कोई और लड़की होती तो इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल कभी नहीं करती। बहुत अच्छे से किया उसने। मैंने जिंदगी देखी है करीना, मेरी आंखों के सामने रिश्ते टूटे हैं, जुड़े हैं। कोई रिश्ते तो ऐसे टूटे हैं कि कभी जुड़े नहीं वापस। और मुझे यकीन है कि अगर प्रीता की जगह कोई और लड़की होती तो अब तक वो अपने घर चली गई होती, या तो इस घर में बहुत बड़ा बवाल कर देती। लेकिन हमारे घर में तो शांति है। मुझे तो ये भी लगा कि मैं सरला को बुलाऊं और उसे सारी बात सच सच बता दूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, प्रीता को खुद अपनी माँ से बात करना चाहिए, मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। माँ बेटी का मामला है, हम क्यों बीच में पड़े। थैंक गॉड मॉम, आपने सरला अरोड़ा को फ़ोन करके यहाँ नहीं बुलाया। अगर वो यहाँ आती तो पता नहीं क्या करती, कितना बड़ा ड्रामा करती, एंड आई एम श्योर अपनी बेटी को वापस घर ले जाती। रोक लो, प्रीता को उसकी माँ के घर जाने से जितना रोकना है रोक लो, पर मैं हूँ ना, मैं उस प्रीता को उसकी असली औकात दिखा के रहूँगी, या फिर ये कहूँ उसके पुराने मोहल्ले में पहुँचा के ही दम लूँगी। अरे वो तो मेरा फ़ोन बंद हो गया था, नहीं तो अब तक मैंने सरला को कॉल कर ही दिया होता और वो आके अपनी बेटी को यहाँ से ले गई होती। कोई नहीं, अगले 5 मिनट में उसे कॉल कर दूँगी। दादी, वो मेरा चार्जर आपके बैग पे ले लूँ? ले ले पुत्र। थैंक यू। एक बहुत भयानक तूफान आने वाला है। मुझे यकीन है कि अगर प्रीता की जगह कोई और लड़की होती तो अब तक वो अपने घर चली गई होती, या तो इस घर में बहुत बड़ा बवाल कर देती। मुझे तो ये भी लगा कि मैं सरला को बुलाऊं और उसे सारी बात सच सच बता दूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, प्रीता को खुद अपनी माँ से बात करना चाहिए, मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं आज इतनी खुश हूँ ना, आई होप कि मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। ये सारे टोटके काम थोड़ी करते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो करण और प्रीता के रिश्ते के लोगों ने इतनी बलाएं ली हैं, इतने काले टीके लगाए, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट कि मेरी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। किसका फोन आ गया? हेलो, नमस्ते सरला आंटी, मैं शोलिन बोल रही हूँ। बोलो। आंटी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं, लेकिन मैंने आपको कॉल इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रीता के साथ बहुत गलत हो रहा है। आंटी, कौन से घर में देवरानी और जेठानी के बीच में लड़ाई नहीं होती, लेकिन इस वक्त प्रीता को आपकी बहुत ज़रूरत है। शर्लिन, तुम्हें क्या बोलना है ना, एक बार सोच लो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बताना चाहती हो। अगर कुछ बताना ही है ना तो साफ साफ बताओ, नहीं तो मैं फ़ोन काटती हूँ। देखिए आंटी, हम सब जानते हैं कि प्रीता ने लूथरा परिवार को अपना परिवार मान लिया है, और लूथरा परिवार भी प्रीता से बहुत प्यार करता है। शायद इसीलिए किसी ने आपको कॉल करके ये नहीं बताया कि प्रीता पर दुखों का पहाड़ टूट गया है, उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। और आपकी बातों से तो लग रहा है कि आपको कुछ भी नहीं पता। ना ही लूथरा परिवार ने आपको कॉल किया, ना ही आपकी सृष्टि या जानकी ने किसी ने आपको बताया।
हो गया कि कुछ और बताना है? क्या बोलती जा रही हो अनापचना? क्या मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ कि तुम कैसी हो? आग लगाने में सबसे आगे। पर ये क्या बोल रही हो कि वो परिवार उसे प्यार नहीं करता है? हमारे परिवार के बारे में, उनके परिवार के बारे में पहले सोच लो तुम बोलना क्या चाहती हो। मुझे वैसे भी कोई कुछ छुपा ही नहीं सकता, सब जान जाती हूँ मैं मेरी बेटी के मन में क्या चल रहा है। और करण के होते हुए उसे कोई ठेस पहुंच ही नहीं सकती, इसलिए अपना समय बर्बाद कर रही हो। मुझे फोन करके बरगलाने की कोशिश मत करो, समझ में आए? और फोन नीचे रखो। अरे आंटी एक सेकंड रुके, क्या आपको किसी ने ये बताया कि करण ने प्रीता को धोखा दिया है? बकवास बंद करो शर्लिन, करण के बारे में एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। पागल नहीं हूँ मैं, जानती हूँ कि मेरा दामाद क्या कर सकता है और क्या नहीं। अरे ऐसा हो गया है, सृष्टि भी वहां थी। शिव सोनाक्षी ने ये बताया कि उसकी बच्ची का बाप करण है। सृष्टि, सृष्टि, बारा, परफेक्ट, कर दिया मैंने जो मुझे करना था। अब ये देखना है कि सरला आकर लूथरा हाउस में क्या क्या करती है। क्या हुआ? तू बता क्या हुआ? मतलब नहीं पता तुम दोनों को? मुझे कोई बताएगा कि वहां लोनावला में वो जो क्या नाम है उस लड़की का, सोना, उसकी शादी में क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं मां। चुप रहो। मैं जानना चाहती हूँ कि वहां शादी में क्या हुआ है, तुझे नहीं बताना ना? तू बता क्या हुआ है वहां? जी कुछ नहीं हो। बकवास मत कर जानकी, सच सच बता क्या हुआ था वहां शादी में, लोनावला में क्या हुआ ऐसा जो जब से आए हो पूछ रही हो? मुंह लटका हुआ है, आंखों में आंसू है और बोल रहे हो कि हुआ क्या है वहां पर, कोई बताएगा? देखो मुझे पता है वहां क्या हुआ है, लेकिन मैं तुम दोनों के मुंह से सुनना चाहती हूँ। बहन जी आपको पता है? क्या पता है? मैंने कहा ना चुप रहे और बस वो बता जो वहां हुआ है। इस समय मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जो बात मुझे अपने घर वालों से पता चलनी चाहिए थी वो मुझे फोन करके शर्लिन ने बताई। लेकिन मुझे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि मुझे शर्लिन पे विश्वास नहीं करना है, इसीलिए तुम दोनों से पूछ रही हो कि क्या हुआ है। जैसा वो कह रही है अगर वैसा हुआ है तो तुम दोनों को यहाँ होना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो वहां प्रीता के साथ होना चाहिए था। फिर तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? भगवान करे ऐसा कुछ ना हुआ हो तो फिर चुप क्यों हो, बोल क्यों नहीं रहे हो कि मम्मा कुछ नहीं हुआ है, बहन जी कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, शर्लिन झूठ बोल रही है, कुछ तो बोलो, मेरा मन बैठा जा रहा है। ठीक है कुछ भी बोलो, मैं अपनी बेटी को फोन करके उससे पूछ लूंगी। इस बच्चे का बाप कौन है? तुम करण, तुम। प्रीता फोन उठा बच्चे, फोन उठा। फोन नहीं उठा रही है। हे भगवान जी, मुझे तभी ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो पूरा होने वाला है। तुझे अगर मुझे हाथ लगाना है ना, और अगर तुझे सच बताना है और तू मुझे अपना माँ समझती तो पहले सच बता, नहीं तो मुझसे बात मत कर। और तू तो माँ सुनो ना, माँ, मम्मा, अरे सुनो तो, मम्मा, माँ, दरवाजा खोलो ना माँ। बहन जी, दरवाजा खोलो, बहन जी,
बहन जी आप ही तो सबकी हिम्मत हो, आप ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा। बहन जी मेरी बात सुनो। तीने मना किया था बोलने जाने की आंटी, तो मैं कैसे बोलती। माँ दरवाजा ही नहीं खोल रही। माँ सॉरी, दरवाजा खोलना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल में सोनाक्षी के लिए एक जगह। Listen to me. मेरे लिए मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो। तुम हो तो मैं हूँ। कोई सोना होना तो मैं जगह कभी नहीं ले सकती। हाँ तो इसी बात की तो फिक्र है मुझे कि उन्हें गुस्सा आएगा तो उसे कुछ करना बैठे। गुस्से में कुछ करना बैठे? अरे मैं गारंटी लेती हूँ कि मम्मा गुस्से में कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगी। किस बात के बारे में बात कर रही हैं मॉम? अगर सोना वाली बात सरला को पता चल गई ना तो वो आ जाएगी। और एक बार वो आ गई, वो क्या बोलती है क्या करती है हम उसे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो गलत नहीं है पुत्र, वो इस वक्त सही है।